सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू माय चैनल ए जीरो ऊपर। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसकी चर्चा आजकल हर जगह हो रही है। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बॉलीवुड वर्सेस साउथ मूवीज़ की। जैसे कि आजकल आप देख ही रहे होंगे कि कैसे साउथ की मूवीज़ नॉर्थ में इतना ज़्यादा कलेक्शन कर रही है। साउथ की मूवीज़ को नॉर्थ में बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और अगर बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड साउथ तो छोड़ो, नॉर्थ में ही कलेक्शन नहीं कर पा रही है और लगातार लाइन से मूवीज़ फ्लॉप होती जा रही है। एक टाइम था जब बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री से काफ़ी आगे था, तब नॉर्थ में साउथ मूवीज़ का मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन कहते हैं ना, समय कभी एक जैसा नहीं होता। टाइम के साथ साथ साउथ इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव आया। वहाँ के डायरेक्टर और एक्टर ऐसे यूनिक कंटेंट लोगों के सामने लेकर आए जो लोगों ने बॉलीवुड में कभी नहीं देखा था। यहाँ तक बॉलीवुड खुद हॉलीवुड और साउथ की मूवीज़ का रीमेक बनाकर पैसा कमा रहा था। लेकिन जब नॉर्थ की ऑडियंस ने साउथ की डब्ड मूवीज़ देखना शुरू किया, तो उनको बॉलीवुड की असलियत का पता चल गया कि कैसे बॉलीवुड हमें साउथ मूवीज़ की कॉपी करके हमें बेवकूफ़ बना रहा था। जैसे वांटेड, बॉडीगार्ड, राउडी राठौर, सिंघम, कबीर सिंह और ना जाने कितनी फिल्में जिनका यहाँ रीमेक बनाया गया और काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुई, जिसके सहारे हमारे यहाँ बड़े बड़े सुपरस्टार अपना करियर चला रहे थे। लेकिन जब साल 2017 को बाहुबली 2 की सुनामी आई, तो उसमें बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में बह गई थी। देन उसके बाद बॉलीवुड कुछ संभल ही रहा था, लेकिन फिर कुछ साल बाद पुष्पा, RRR और KGF 2 का एक ऐसा तूफान आया जिसमें बॉलीवुड के बड़ी बड़ी सितारों की फिल्में इस तूफान में उड़ गई। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे रीज़न बताता हूँ कि क्यों साउथ की मूवीज़ बॉलीवुड से आगे जा रही है। जो मुझे पहला रीज़न लगता है कि साउथ इंडस्ट्री वाले अपने फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। साउथ मूवीज़ के डायरेक्टर जहाँ एक न्यू कंटेंट और स्टोरी लेकर आते हैं और अपनी फिल्मों को पूरा करने के लिए सालों साल शूटिंग करते हैं ताकि ऑडियंस को एक अच्छा एंटरटेनमेंट दे सके। बट हमारे बॉलीवुड में कुछ ऐसे एक्टर भी है जो अपनी फिल्मों की शूटिंग 2-3 महीनों में ही कंप्लीट कर देते हैं। वह ये भी नहीं सोचते कि फिल्म अच्छी बनी है या बुरी, क्योंकि उनको तो बस पैसे कमाने से मतलब है। और दूसरा रीजन जो मुझे यहाँ लगता है वो है फैमिली मूवीज़। साउथ आज भी फैमिली मूवीज़ बनाती है। साउथ की मूवीज़ में किसी भी तरह का ऐसे सीन नहीं दिखाए जाते जो कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के ना देख पाए। लेकिन वही बॉलीवुड नहीं चाहता कि लोग अपनी फैमिली के साथ मूवी देखें, इसलिए तो वह ऐसी मूवीज़ बना रहा है। तो आखिर क्यों, शायद बॉलीवुड भूल गया है क्या, इंडिया में आज भी लोग अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और तीसरा रीज़न जो मुझे यह लगता है कि साउथ सिनेमा आज भी अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। उनकी मूवीज़ में कभी भी अपने धर्म और कल्चर को गलत नहीं दिखाया जाता और वहाँ की ऑडियंस मूवीज से इसलिए इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट रहती है और वहाँ के एक्टर को इतनी ज़्यादा इज्जत मिलती है। और इसके बिल्कुल उलट बॉलीवुड की मूवीज़ में कभी भी अपने कल्चर को और अपने धर्म को सही नहीं दिखाया जाता। हिंदू धर्म को हमेशा नीचे दिखाया जाता है, भगवानों का मजाक बनाया जाता है, जैसे आपने पी की मूवी में देखा ही होगा। मतलब अगर तुम अपने कल्चर और रिलीजन की इज्जत नहीं करोगे, उनका मजाक बनाओगे, तो फिर क्यों हम बॉलीवुड की मूवीज़ देखेंगे। ना ना, ऐसा गलत काम ना करना जी। इसका चौथा रीज़न जो मुझे बहुत बड़ा रीज़न लगता है वो है नेपोटिज्म। वैसे नेपोटिज्म तो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, लेकिन बॉलीवुड में यह काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर होता है। वैसे साउथ के भी बहुत सारे एक्टर हैं जिनके आपस में एक फैमिली रिलेशन है, लेकिन वहाँ के एक्टर को उनके स्किल्स के आधार पर मूवीज़ मिलती है, ना कि रिश्ते नाते के आधार पर। और वैसे ही यहाँ बॉलीवुड में एक्टर को सिलेक्शन उनके स्किल के आधार पर नहीं होता, बल्कि उनके रिलेशन के आधार पर होता है कि कौन बड़ा डायरेक्टर या एक्टर का बेटा है, तो उनको आराम से बड़ी बड़ी बैनर की मूवीज मिल जाती है। चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूँ या मेरे चाची के भतीजे को लॉन्च करूँ, आई कैन डू व्हाट आई वांट। और ना जाने कितने सारे स्ट्रगलिंग एक्टर बस स्ट्रगल करते रहते हैं। बट आजकल के ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई है, उनको पता है उनको किसको देखना है और किसको नहीं। सो गाइस, बॉलीवुड में अगर न्यू एक्टर, राइटर और डायरेक्टर को मौका मिले, तो बॉलीवुड सीधा हॉलीवुड को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि जब तक आप कुछ नया नहीं करोगे तो लोग आपसे बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। सो गाइस, मेरे जो भी व्यूज़ थे इस टॉपिक को लेकर,
या मैंने सभी आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप मेरे व्यू से सहमत है या अगर आप असहमत भी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो लाता रहूं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय।